असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर एटी फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास थ्री स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायाग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड वी हैव टू कलर इन इट आपके नोट्स पर यह गिवन है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि स्टेप वाइज हाउ वी हैव टू ड्रा दिस डायाग्राम सो लेट्स आर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैंशन द डेट ये आपने कॉपीज़ पे पहले ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने अपने नोट्स के ऊपर जो जगह है वहाँ पर इसको ड्रॉ करनी है स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले यू हैव हाँ टू ड्रॉ लाइक दिस ये जो है बटरफ्लाई के एग्स हैं सेकेंड स्टेप आपका सेकेंड स्टेप्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने टाइनी लार्वा जो है वो शो करना है यानी कि एग्स में से एक छोटा सा एक लार्वा जो है वो निकल रहा है और उसके बाद आप उसको एक मतलब एग्स में से निकला हुआ एक स्टेप दिखाएंगे आप उसको इस तरह से ड्रा करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका लेट्स नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप लोग इसको एक बड़े से कैटरपिलर को ड्रॉ करेंगे जो इस स्टेप को कंप्लीट कर रहा है इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा दैट इज़ द प्यूपा ठीक है एक शेल की फॉर्म के अंदर जो है कैटरपिलर बाद में चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं प्यूपा और इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है वो क्या है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में लेट्स सी दैट इज़ एन एडल्ट बटरफ्लाई तो स्टूडेंट्स आपका साइकिल जो है वो किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एग्स उसके बाद टाइनी लार्वा जिसमें से एग्स में से निकल रहा है फिर लारवा को थोड़ा सा एक्साइज करेंगे उसके बाद इसको मजीद लंबा करके बताएंगे कि ये है कैटर पिलर कैटरपिलर चेंज करता है अपनी शेप इंटू द प्यूपर लाइक अ शेल और जब यह शेल क्रैक करती है तो फिर आपके पास एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो आती है या आपने अपनी रफ कॉपीज पर भी ड्रॉ करना है अपनी नीट कॉपीज पर भी ड्रॉ करना है इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे या आपको डायग्राम उतनी प्रॉपर जो है वो आपके आपकी बनेगी नो प्लीज कम टू योर नोट्स जी स्टूडेंट्स नोट्स पे आप अपनी डेट्स मेंशन करेंगे होमवर्क लेक्चर नंबर एटी फोर और फ्राइडे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ़ योर फेवरेट एनिमल अब चूंकि फेवरेट एनिमल में आपको सारे एनिमल्स की लाइफ साइकिल का नहीं पता होगा इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज अभी जो है वो एक एक चीज़ को बताया है कि आपने कैसे करना है आपने इस तरीके से इसको अपने नोट्स पर भी ड्रॉ करना है मेक श्योर sure कि ये एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर साइकिल आपका रोटेट करे नंबर वन यू हैव टू मेक द एग्स देन टाइनी लारवा देन लारवा देन कैटरपिलर देन प्यूपा एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई इसके बाद आपने स्टूडेंट्स लेबलिंग करनी है जो भी आपको जो है आपके नोट्स पे दिखा रही हूँ हाउ यू हैव टू लेबल द डायग्राम सो स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स पर ये वाला पेज ओपन करेंगे जहाँ पर आपकी डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ हुई हुई हैं और आपने उनको लेबल करना है अगेन आप यहाँ पर ये यह एक्स हैं इधर एक्स लिखेंगे दिस इज द टाइनी लारवा अगर आप टाइनी लार्वा एक सिंपल लिख रहे हैं लार्वा नहीं भी लिख रहे हैं तो इट्स ओके okay. अगर लिख रहे हैं तो इट्स फिर भी ओके okay. यहाँ पर आप कैटरपिलर caterpillar लिखेंगे कैटरपिलर्स की दो जो है शेप्स बता रहे हैं कि वो साइज़ जो है उसका जो है ग्रोथ हो रही है उसकी तो वो बढ़ रहा है उसके बाद ये प्यूपा में जो है वो चेंज हो जाता है ये एक शेल बनती है जिसके अंदर ये कैटोपिलर एक ये फॉर्म में जो है वो शेल की फॉर्म में अपने आप को ढांप लेता है और उसके बाद ये शेल क्रैक करता है एंड देन इट कम्स टू द एन एडल्ट बटरफ्लाई सो यू हैव टू लेबल दिस डायग्राम ऑन योर नोट्स यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो ऑन नोट्स और उसके अलावा आपने इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक्स पर भी करनी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स यूनिट नंबर वन का इसको आप आप रिवाइज करेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज